ओपी राजभर जी भी पहुंच रहे हैं, किसी और के साथ थे लेकिन अब फिर से आप वापसी हो गई और वो राम मंदिर बना रहे हैं, कैसी खुशी लग रहा है? बहुत खुशी है, पूरा देश राममय है, पूरे देश में खुशी का माहौल है और सभी लोग जल्दी से जल्दी आकर अयोध्या भगवान राम राजभर जी तो फिर आए हैं अयोध्या, तो जयकारा एक बार लगा दीजिए। जय श्री राम। जोर से, आपकी तो आवाज बड़ी तेज है, बड़ी बुलंद है। जय श्री राम। और मानते हैं ये मोदी जी की और योगी जी की नीति थी कि ये बन पाया, ये हो पाया? 100% तो देखिए हमारे साथ में ओपी राजभर जी थे जो कह रहे हैं कि 100% ये योगी आदित्यनाथ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहंकारी हर्षित महाकाली अद्भुत रूप विचार। बस हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं, पूरा देश राम में है। जय श्री राम। यही मैं कह रहा हूँ, सेवक की तरह जो भगवान राम के उसमें जरा क्या कह रहा है, सब चल ही रहा है। कैसा, मैं वापस जाऊंगी। हाँ, साइना नेहवाल, इतने सारे व्यूअर्स हो गए हैं तो हम लोग थोड़ा सा हो गए हैं, कितनी खुश हैं? बहुत खुश हूँ, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सबसे बड़ा राम मंदिर आज देख रहे हैं। पहले अयोध्या आई है कभी? नहीं, ये पहली बार है। कैसा लग रहा है अयोध्या? आप लोगों ने सुना होगा इतना विकास हो रहा है, सब कुछ वाकई दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, और हम तो लग रहा है कि हम सीधा भगवान से ही मिलने जा रहे हैं, इतना सुंदर सजाया है उन्होंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। कैसी वाइब्स कैसी आ रही है अयोध्या में? बहुत ही प्योर, बहुत अच्छी और बहुत ही पीसफुल, बिल्कुल सुकून मिल रहा है, जैसे मम्मी बोल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप उनकी मदद थैंकफुल किसको है कि आपको न्योता मिला, आप जा पा रही, साक्षी बन पा रही? सरकार का, योगी जी का, जिन्होंने ना इतना अच्छा मंदिर बनाया। आपने तो संघर्ष की बातें भी सुनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कितने बेचारे काम करने वाले इसमें, बहुत मेहनत लगाई है उन्होंने और इतना अच्छा तो बनाया। एक बार आप लोग साथ में जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए हमारे साथ देखिए, साइना नेहवाल जी थी हमारे साथ में, जय श्री राम का नारा भी लगा रही है और ये भी कह रही है की देखिए ये हम देख पाए, ये हमारे लिए सौभाग्य। अरुण का रुख करते हैं। तो देखिए प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी 8000 लोग बनेंगे, लेकिन जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो यहीं पर प्रभु श्री राम के साथ सेल्फी ले रहे हैं। चलो देखिए राम दरबार, देखिए प्रभु श्री राम, माता जानकी, उनके दोनों भाई और हनुमान जी, और यहाँ पर देखिए लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। जरा एक बार शंखनाद कर दीजिए आप। चंडीगढ़ से। तो आप लोग सेल्फी ले रहे हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाए आप लोग? नहीं पहुँच नहीं पाए। तो आप क्या करेंगे? हम जाएंगे, परसों जाएंगे दर्शन करने। आप कहाँ से आए? हम बैंगलोर से आए। आप कहाँ से आए? चंडीगढ़ से हैं। तो आज तो आप लोग यहाँ सेल्फी ले रहे हैं? तो हम अभी कल कोशिश, आज शाम को कोशिश करेंगे, कल सुबह भी कोशिश करेंगे और वहाँ जाएंगे। दर्शन कर कहीं जाना है? साथ वो तमाम वीवीआईपी हैं जो लगातार जन्म स्थान पे जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। आपको न्योता आया है? आया न्योता। जरा जरा कार्ड दिखाइए, अपना कार्ड दिखाइए। ये कार्ड है आपको? देखिए तो आपको भी न्योता आया? बिल्कुल, मैं ऑल इंडिया विश्व महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे भी कार्ड आया है और वीआईपी कार्ड आया। विष्णु समाज का धर्मगुरु हूँ, ऑल इंडिया अवश्य विश्व। कितना दिव्य आज जो दर्शन होंगे आपके, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बस आप तो देखिए इस वक्त मैं हनुमान गढ़ी में मौजूद हूँ। तमाम साधु संत जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वीवीआईपी मूवमेंट्स भी जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। हमारे लिए हमारे पूर्वजों का बलिदान, उनका त्याग तपस्या और उनकी अब तक की हुई कामना, उसकी पूर्णावती का समय और हमें देखने का शुभ अवसर मिला है। क्या लगता है आपको, कितना जिस तरीके से 500 सालों का इंतजार करना पड़ा उसके बाद ये गौरवशाली पल आया है, तो सबको उत्साह से लबरेज है? 528 साल में ऐसा दिवाली नहीं मना जैसा दिवाली आज मन रहा है।